नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो निर्माण प्रशिक्षण श्रृंखला के माध्यम से हम ये सीखेंगे और जानेंगे कि अपने किरदार और विषय को फ्रेम में रखते हुए एक अच्छे शॉट को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों और बातों का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए उदाहरण हमें एक अच्छा शॉट बनाने में मदद करेंगे। सर के ऊपर पर्याप्त मात्रा में जगह। कोई भी शॉट लेते हुए हमें यह ध्यान रखना होता है कि फ्रेम में विषय और किरदार के सर के ऊपर पर्याप्त मात्रा में जगह हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो शॉट खराब दिखेगा। देखिए दीदी भैया, जबकि भिंडी का बीज लगाइएगा तो बीज को जरूर शोधन करके लगाइएगा, क्योंकि शोधन करने से उसमें कुछ रोग नहीं लगता है। उसमें जो कीटाणु रहता है रोग जो खत्म हो जाता है शोधन करने से। ये दीदी भैया, आप लोग बीज लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं, तो उसको बीज को जरूर शोधन करेगा, क्योंकि शोधन करने से उसका जड़ मजबूत होता है, उसमें कीटाणु नहीं लगता है, कोई रोग भी नहीं लगता है। किरदार के देखने वाली तरफ पर्याप्त मात्रा में जगह। कोई भी शॉट लेते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि किरदार या विषय जिस तरफ देख रहा हो उस तरफ पर्याप्त मात्रा में जगह देनी चाहिए। अगर किरदार सीधा कैमरा में नहीं देख रहा है या फ्रेम से बाहर देख रहा है तो जिस तरफ वो देख रहा है उस तरफ पर्याप्त मात्रा में जगह दें। निमास्त्र के प्रयोग करे से फसल भी अच्छा होत और पौधा भी स्वस्थ रहत। चलते अब रासायनिक खाद न प्रयोग करके निमास्त्र के प्रयोग करो। किरदार या विषय के चलने वाली तरफ पर्याप्त मात्रा में जगह। जब भी हमारा किरदार या विषय चल रहा होता है तो जिस तरफ वो चल रहा होता है हमें उस तरफ पर्याप्त मात्रा में जगह देनी चाहिए। एक तिहाई वाला नियम। हमेशा शॉट लेते हुए हमें अपने किरदार या विषय को फ्रेम के एक तिहाई वाले हिस्से में रखना चाहिए, जैसे इस समय मैं हूं। ऐसा करने से हम अपने शॉट को और ज्यादा सुंदर और दर्शनीय बना सकते हैं। एक तिहाई वाले नियम का पालन करने से हम अपने किरदार को फ्रेम के बीच में ना रखते हुए भी सुंदर दिखा सकते हैं। मैंने जीविका में जुड़े से लोग लोक गरीब लोग लै है तो लोग कम रेट मिले है तो लोग वह में से कमाए है तो खाइयो ले लक आ दू रुपया मैंने सूदो जमा कैल आ बाहर लेवे से सूदे भरते भरते आदमी तबाही भेल है बिका जाए है गरीब लोग। हम उनका खाता बैंक में खुलवाए, फिर खाता बैंक में जब खुला उनका तो फिर संस्था द्वारा जीविका द्वारा उन्हें 50,000 का ICF लोन दिया गया। बैकग्राउंड पर ध्यान देते हुए शॉट लें। जब कभी भी शॉट लें तो ये ध्यान रखें कि आपके किरदार या विषय के पीछे क्या है। याद रखें, आपके किरदार या विषय के पीछे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे दर्शकों का ध्यान बटे और उनका ध्यान हमारे विषय या किरदार से हट जाए। एक अच्छा बैकग्राउंड होने से शॉट और अच्छा हो जाता है। देखिए दीदी, बीज को शोधन करके इसलिए लगाना चाहिए कि उसका जड़ मजबूत हो और फसल अच्छा हो। मेरा नाम परमिला देवी है, ग्राम रामीरामपुर, ब्लॉक सकरा, जिला मुजफ्फरपुर, दीप जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ, महिमा ग्राम संगठन के सदस्य हूँ, आनंद CLF के सदस्य हूँ। तो आपने इस वीडियो में देखा और सीखा कि एक अच्छा शॉट लेते हुए किन किन बातों और चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में दिए गए उदाहरण आपको समझाने के लिए हैं। फिल्म बनाते हुए वीडियो में सिखाई गई बातों का ध्यान रखें। याद रखिए, एक अच्छा शॉट आपके वीडियो को, आपकी कहानी को ज्यादा सुंदर और दर्शनीय बनाता है। नमस्कार।